जो आने वाला इलेक्शन है तो उसमें जो आपके जो कॉर्पोरेट है उनको रिपीट करोगे क्या? नहीं नहीं, हम लोग का तो ऐसा है कि हम लोग यहाँ दोनों हम लोग की गलियों पे बोर्ड लगाएंगे नो वाटर नो वोट का। हाँ। कि हमको जो पानी नहीं रखते हमारे जो लोक प्रतिनिधि है जो हमारी बेसिक नीड पूरी नहीं कर सकते उसके लिए कॉर्पोरेशन में लड़ नहीं सकते और पानी नहीं दे सकते तो ऐसे लोग की जरूरत नहीं है। एक टैंकर पानी एक 500 फ्लैट की आबादी में अगर एक टैंकर पानी कितना दिन यूज होएगा? अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। वैरायटी सुपर बाजार, आपकी जरूरत का हर सामान अब किफायती दामों में। भिवंडी का अपना सुपरमार्केट, जहां आपको मिलेंगे जेंट्स वेयर, किड्स वेयर, बाथरूम आइटम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, मसाले, ग्रोसरी, शो पीसेस और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर विजिट कीजिए वैरायटी सुपर बाजार एट सोहम सोसाइटी, हाफिज जी बाबा दरगाह, खड़क रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेहमान, दवाजी का स्वागत है। फिलहाल हम आए भिवंडी क्वार्टर गेट नवाब गली में। पिछले दो दिन पहले हमने यहाँ की न्यूज़ कवर की थी कि पानी की यहाँ पे कितनी किल्लत थी और यहाँ पे लोगों ने कहा था कि यहाँ के जो आमदार है महेश चौगे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम यहाँ पे बोरिंग लगा के देंगे और आज दो दिनों बाद हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे वाकई में बोरिंग का काम चल रहा है और यहाँ के जो लोग हैं उनका खुशी का ठिकाना नहीं है इस बारे में कि चलो ठीक है कि पहली बार ऐसा हुआ कि किसी नेता ने उन्हें आश्वासन दिया और बहुत जल्दी जो है वो चीजें जो अमल में आए। तो यहाँ पे स्थानीय के हम थोड़ा उनसे बात करेंगे। अरे भाई, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे, थोड़ा सा बताएंगे? ये हमारे आमदार जी महेश चौगले साहब को बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग अदा करना चाहते हैं कि जो फिरोज मेहमान ने द वॉइस ऑफ 10 न्यूज से हमारे एरिया को कवर किया था, हमारे मोहल्ले में पानी का प्रॉब्लम था, वो न्यूज देखे उन्होंने बोला था मैं जल्द से जल्द बोरिंग को करा दूंगा और अभी आपके सामने है कि दो दिन के उसमें महेश चौगले साहब ने और हमारे मेराज भाई ने उनकी मेहनत से बोरिंग का काम शुरू हो गया है और काफी हद तक हम लोग पानी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है। इसका पूरा क्रेडिट आप इस महेश चौगले को, कोई कॉर्पोरेटर ने हमारा कोई काम किया नहीं, हम लोग सबके पास गए, हमारे लेडीज को भी गए, एक साल पहले कॉर्पोरेशन में भी गए, रोजा रख के भी गए, सब खाली दिलासा दिया, कोई काम किया नहीं, ये काम महेश चौगले ने किया, इसका पूरा क्रेडिट महेश चौगले को जाता हमारे यहाँ। दादा कुछ बोलेंगे? दादा बोलो। अरे बोरिंग लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है तो पानी मिलेगा? इंशाल्लाह मिलेगा पानी। तो इसमें ये खुशी का राज क्या है, मतलब किसकी वजह से है? ये हमारे मेरे महेश चौगले जी की मेहरबानी है। उनकी मेहरबानी से आया है तो मतलब तसल्ली हो गई कि पानी आएगा? हाँ, तसल्ली हो गई पानी। ऐसा हुआ है कि कोई काम बोले और हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ। क्या कहेंगे आपके एरिया में जो है यहाँ पे अभी बोरिंग खोद रही, पानी की इतनी किल्लत थी, आप लोगों ने वाकई में तकलीफें उठाई, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? पहले सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि हम लोग को आज महेश चौगले हमारे वेस्ट के आमदार की नीति से जो है बोरिंग मिल गई और इंशाल्लाह कुछ तो आसरा होगा कि नल का पानी, लेकिन बोरिंग का पानी तो अब कुछ ना कुछ आदमी कर सकता है कि पीने का वापरने तो वापरने के काम तो आएगा पानी, पीने का पानी का अरेंजमेंट, लेकिन कपड़ा धोने के नहाने धोने के यूज में होगा। इसके लिए हमारे मेराज भाई ने बहुत मेहनत की और उसके बाद महेश चौगले के लेटर पे फिर ये बोरिंग की नीति मिली हमें। अच्छा, तो अभी क्या लग रहा है कि इससे थोड़ा बहुत तो राहत हो जाएगी? थोड़ा बहुत राहत क्या, बहुत ज़्यादा राहत हो जाएगी। पीने के पानी की तकलीफ है, वो तो कैसा गर्मी है, इस टाइम का प्रॉब्लम है तो उसका कुछ हल है नहीं हमारे पास, कुछ कर नहीं सकते। तो फिर जो आने वाला इलेक्शन है तो उसमें जो आपके जो कॉर्पोरेट है उनको रिपीट करोगे क्या? नहीं नहीं, हम लोग का तो ऐसा है कि हम लोग यहाँ दोनों हम लोग की गलियों पे बोर्ड लगाएंगे नो वाटर नो वोट का। कि हमको जो पानी नहीं रखते हमारे जो लोक प्रतिनिधि है जो हमारी बेसिक नीड पूरी नहीं कर सकते उसके लिए कॉर्पोरेशन में लड़ नहीं सकते और पानी नहीं दे सकते तो ऐसे लोग की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहे हैं, कल तो वो मलिक भाई आए थे टैंकर लेके, तुम ऐसी बात? एक टैंकर पानी अगर 3 महीने में दिया जाता और उससे कुछ फैसिलिटी या कुछ वापरने लायक हो सकता है तो आप बताइए फिरोज भाई, एक टैंकर पानी एक 500 फ्लैट की आबादी में अगर एक टैंकर पानी कितना दिन यूज होगा? बिना बोले ला के दिए ना तुमको, तुमने मांगे। अब वो तो क्या बोले कि अल्लाह ताला का कोई आसमानी सुल्तानी था कि वो एक टैंकर पानी 5 साल के अंदर मलिक भाई ने ला के दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो एक टैंकर पानी हमको मुहैया कराया उन्होंने। बाकी हम लोग तो बोर्ड लगाएंगे अपनी हर गलियों पे क्वार्टर गेट की, जहाँ जहाँ पानी की तकलीफ है कि नो वाटर नो बेसिक नीड नो,
ठीक। तो दोस्तों देखा आपने, यहाँ पे लोग वाकई में परेशान थे। अब इनकी बातों से लग रहा है कि जो परेशानी कुछ हद तक कम होगी, और पानी की जो है वो वाकई में परेशानी रहती ही रहती है। तो थोड़ा बहुत पीने का नहीं तो कम से कम वापरने का पानी तो मिलेगा। हमारे साथ ऐसे बने रहे और हमारे साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम चाहते हैं कि भिवंडी के अंदर इसी तरह का काम हो, इसी तरह का बदलाव हो, इसीलिए हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिरोज मेहमान, द वॉइस से, थैंक यू।